नमस्कार दोस्तों, 56 इंच वाले तो डरपोक निकले, इतने डरपोक कि चुनाव से पहले ही हार मान रहे हैं। चुनाव को देखकर मोदी जी के हाथ पांव फूल रहे हैं। 18 सितंबर को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 90 सदस्य नई विधानसभा के लिए 3 चरणों में मतदान शुरू होने वाला है। चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दशक में ये पहली बार है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदान होगा। 90 निर्वाचन क्षेत्रों में से 47 मुस्लिम बहुल कश्मीरी घाटी है और 43 हिंदू बहुल जम्मू क्षेत्र है। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए टिकट वितरण को लेकर जम्मू में 2 पुराने नेताओं के इस्तीफे भी हो गए, लेकिन अब कश्मीरी घाटी में भी पार्टी नेताओं के बीच गुस्सा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर भाजपा के आधे से ज़्यादा लोगों के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर ये नज़र आ रहा है कि चुनाव से पहले ही वो हार मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हम यहाँ से इस सीट पर तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। घाटी की सीटें 16 में से 8 जिन पर 18 सितंबर को पहले चरण में मतदान होगा। भाजपा ने दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए 29 नामों की घोषणा भी की है, लेकिन उनमें से अब तक सिर्फ एक ही घाटी सीट के लिए घोषित किया गया है। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कश्मीर की 3 सीटों में से किसी पर भी उम्मीदवार नहीं उतारे थे। कश्मीरी घाटी के भाजपा नेताओं को लगता है कि उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वो यहाँ पर खुद ही साइड किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब भला 370 हटाने के बाद मोदी जी इतनी वाहवाही लूट रहे हैं तो फिर उनके नेताओं को इतना डर क्यों सता रहा है? क्यों चुनाव से पहले ही बैकआउट कर रहे हैं? भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जोरों शोरों से जम्मू कश्मीर का दौरा, वहाँ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वो चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दें, लेकिन अब उन्हें अचानक निराश कर दिया गया। घाटी में वो सीटें भी शामिल हैं जहां भाजपा के दल बदलुओं का भी कभी समर्थन किया गया था। उस समय भाजपा के साथ बने रहने वाले तमाम नेता घाटी में अछूत घोषित कर दिए गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जब आया तो पार्टी चुनाव लड़ने से ही पीछे हट रही है। वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। वहाँ के नेता अब इसे भाजपा के इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति मान रहे हैं। घाटी में भाजपा जिन 8 सीटों को छोड़ रही है वो सभी दक्षिण कश्मीर में आती है, जो पूर्व उग्रवादियों का गढ़ रहा है। क्षेत्र के एक पार्टी नेता ने तो ये भी कहा है कि अब तक मैदान में उतारे गए कई उम्मीदवार ऐसे नेता हैं जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हें उन लोगों पर तरजीह दी गई है जो लगभग 2 दशकों से पार्टी के साथ हैं। उनको नज़रअंदाज करते हुए नए लोगों के साथ भाजपा जा रही है। नेता ने यह भी कहा है कि किनारे किए गए लोगों में फैयाज अहमद भट्ट, मंजूर कुलगामी और बिलाल अहमद पारे जैसे शीर्ष भाजपा के नेता शामिल हैं। साथ ही अल्ताफ ठाकुर और मंजूर अहमद भट्ट भी इसमें शामिल हैं। इनमें से एक नेता ने कहा है कि हम उस समय भाजपा के लिए खड़े थे जब कश्मीर में मुख्य धारा में शामिल होना वर्जित था। भाजपा का हिस्सा बनना तो दूर की बात थी, ये वो पुरस्कार है जो वो हमें हमारे बलिदान के लिए दे रहे हैं। पिछले हफ्ते उम्मीदवारों की एक लिस्ट दोस्तों सामने आई थी, जिसमें आप सभी को मैंने वो खबर भी बताई थी कि कैसे एक लिस्ट भाजपा की तरफ से जारी किया गया था और उसके बाद डिलीट कर दिया गया, फिर लिस्ट जारी करके उन तमाम नेताओं को लाया गया जिसको लेकर बगावत चल रही थी। और पिछले हफ्ते उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई उसके बाद पुलवामा से भाजपा के एकमात्र जिला विकास परिषद सदस्य मिन्हा लतीफ ने पंपोर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के टिकट लड़ने से इनकार किए जाने पर इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने शौकत गयूर को टिकट दिया जो कुछ महीने पहले ही पार्टी में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा के कई सत्ता केंद्र होने के कारण सारा मामला गड़बड़ा रहा है। पिछले साल अगस्त में भाजपा के घाटी स्थित नेताओं ने पार्टी के जम्मू स्थित नेतृत्व पर कश्मीरी नेताओं पर भरोसा नहीं करने का आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की धमकी भी दे डाली थी। जी हाँ, पार्टी के नेतृत्व में कुछ बदलाव करके मुद्दे को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन समस्या नहीं बन पाई, कुछ हल नहीं निकल पाया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अब तस्वीरें शीशे की तरह साफ हो गई है। भाजपा न सिर्फ जम्मू क्षेत्र में बल्कि कश्मीर घाटी में भी आंतरिक अशांति का सामना कर रही है।
जिससे उसे कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से मजबूत चुनौती सामने आई है। इसके अलावा जम्मू में सुरक्षा स्थिति में गंभीर गिरावट, नागरिकों सहित क्षेत्र में आतंकवादी हमले में भी वृद्धि देखने सुनने को मिला है। आज भी एक जवान शहीद होने की खबर जम्मू कश्मीर से निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। इसमें भाजपा का समर्थन जम्मू वासियों के विश्वास को हिला दिया गया है। कहा गया है कि भाजपा का समर्थन करके उनका विश्वास पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि जम्मूवासी भाजपा के उन फैसलों से भी नाराज़ है जिनमें बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने की इजाज़त दे दी गई है। अब दरबार मूव यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में शीतकालीन राजधानी जम्मू और वापसी से द्वितीयवार्षिक स्थानांतरण को ख़त्म कर दिया गया है। इसको लेकर भी जम्मू के लोगों में काफ़ी गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसका असर पड़ रहा है दोस्तों भाजपाइयों पर। स्थानीय कारोबारी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। एनसी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा का समझौता उन्हें पूरे जम्मू कश्मीर में, जी हाँ पूरे जम्मू कश्मीर में 51 और 32 सीटों पर चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो 5 निर्वाचन क्षेत्र जहाँ कोई समझौता नहीं हो सका, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि दोस्ताना लड़ाई में ये लोग एक साथ शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के 2 अन्य साझेदार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पैंथर्स पार्टी एक एक सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी जो है वो इंडिया गठबंधन का घटक दल रहा है और अपने दम पर चुनाव यहाँ से वो लड़ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पीडीपी की कमज़ोर स्थिति के बावजूद ये कांग्रेस एनसी गठबंधन से भाजपाई विरोधी मुख्यधारा के कुछ कश्मीरी वोट छीन सकती है, ऐसा खबर निकलकर सामने आ रहा है। इसके बाद वाले को कुछ सीटें गंवानी भी पड़ सकती है। विधानसभा चुनावों में एक दिलचस्प बात ये भी देखने सुनने को मिल रहा है दोस्तों कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये है कि अलगाववादी और इस्लामवादी जो अतीत में चुनावों से दूर थे वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। संसदीय चुनाव में इंजीनियर राशिद की शानदार जीत से उत्साहित आवामी इत्तेहाद पार्टी के उनके समर्थक करीब 3 दर्जन उम्मीदवार मैदान में उतारते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रही है उसको लेकर जो खींचातानी और जो अंदरूनी कलह है और जो भाजपा छोड़ छोड़ कर सीट भाग रहे हैं वो साफ तौर पर बीजेपी की नाकामी दिखा रहा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने पीट पीट कर इतना ढिंढोरा पीटा कि 370 आने के बाद जम्मू कश्मीर में खुशहाली बहाल हो गई है, लेकिन लगता है पार्टी के अंदर खुशहाली बहाल नहीं हुई है, तभी तो पार्टी के नेता इस कदर बैकआउट कर रहे हैं। अब सोचिए चुनाव लड़ने के लिए कोई पीछे कैसे हट सकता है, या तो उनको समझ में आ रहा है कि भाई सब कुछ सही नहीं है, यहाँ पर बीजेपी चुनाव लड़कर अपना ही फजीहत करवा रही है तो पहले ही नेता साइड हो जा रहे हैं। कांग्रेस और जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं उमर अब्दुल्ला वो यहाँ से चुनाव लड़ते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं और उनकी जो मीटिंग्स और बैठक जो है वो सफल हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खलबलाहट जो है वो पैदा हो रही है। वैसे तो हमारे मोदी जी बहुत मजबूत नेतृत्व के नेता माने जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में शायद मजबूत नेतृत्व लगता है उनका कमज़ोर पड़ रहा है, तभी तो इस तरीके से जो है खबरें निकल कर सामने आ रही है कि मोदी जो है डर कर मारे पहले से ही बैकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं उनके नेताओं के ज़रिए। इतनी बड़ी पार्टी और डर भरा पड़ा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।